कड़कती ठंड और गिर रहे पारे को देखते हुए जनपद बहराइच के जिलाधिकारी शंभू कुमार एवं पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने देर रात शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों का जायजा लेते हुए तकरीबन 900 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। रेलवे स्टेशन सहित रोडवेज बस अड्डे पर डीएम एसपी ने देखा कि तमाम ऐसे गरीब जरूरतमंद हैं, जिनके बदन पर कड़कती ठंड में चद्दर तक नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि इस ठंड में जब टेम्परेचर डाउन हो गया है, जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास इस ठंड से बचने के लिए उपाय नहीं है, उनको कंबल उपलब्ध कराया जाए। जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर रैन बसेरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, वहाँ पर सारी सुविधाएँ हो, और ऐसे जगह जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं उनके ठंड से बचाव के लिए वहाँ पर अलाव जलाया जाए। ये तीनों चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमने उसे चेक किया है बहुत सारी जगहों पे जाकर, जैसे आज बस स्टैंड पे रैन बसेरा को देखा गया है और वहाँ पे थोड़ी बहुत कमियाँ मिली है। यू नगर पालिका को निर्देश दिया गया है और बड़ी संख्या में आज हम लोगों ने कंबल बांटे हैं, विशेषकर जो रात में रिक्शा चालक हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं और उन्हें कंबल भी उपलब्ध नहीं था, तो उन्हें कंबल बांटा गया है। रेलवे स्टेशन पे भी आके आज बहुत सारे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको कंबल बांटा गया है। इस तरीके से प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जो उत्तर प्रदेश शासन का हमें धनराशि उपलब्ध हुआ है और जो निर्देश मिले हैं उन सबका अक्षरशः पालन हो और कोई भी गरीब व्यक्ति इस ठंड में इससे परेशान ना हो।